नमस्कार प्रणाम, हम गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी बिहार, वो सबके सेवक, वो सबके भाई, वो सबके बेटा, बिहार के बचावे के बा बाउंस बैक बिहार शुरू कैले बा लोग, हमार भाई लोग सबके बहुत धन्यवाद, बिहार के बचावे खातिर शुरू कैले बा लोग। कोरोना कोनो मामूली बीमारी नहीं के, छुअला पना जिसे कहावत एगो बा, सटला त गैला बेटा, सटहू के जरूरत नहीं के, एक मीटर पहले ही से धर लेता मुँह पर मास्क लगा के रखी, बाहर तो निकले के नहीं के, बहुत जरूरत होके निकले के तो मुँह पर मास्क लगा के परमिशन लेकर के साबुन से हाथ धोत रहे के बढ़ुए, घर में रहें, बाल बच्चा संगे रहें, अपना कन्या संगे, अपना दुल्हन संगे, बाल बच्चा सब घर में बैठ के आनंद करी, छटपटाए के नहीं खे, अकबकाए के नहीं खे, समय कट जाए 15 दिन 20 दिन ठीक से हमनी के बिहार के बचा ले जा, तो बिहार मान जाए, हमनियों के बात जाए जा, सरकार पुलिस के झंझट मत करब जा कतहूँ, डॉक्टर से झंझट मत करब जा कतहूँ, मजदूर भाई, किसान भाई, सब पढ़ल लिखल विद्वान भाई, सब समाज के हिंदू मुसलमान भाई, सब लोग से हमारा दिहोरा बा कि बिहार के बचाव में हमारे सहयोग करें जा, प्रणाम बा सब लोगों के, बहुत बहुत प्रणाम बा। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ तमाम बिहार के लोगों से, हर जात हर मजहब के, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, मजदूर हों, किसान हों, वकील हों, व्यापारी हों, हर जात हर वर्ग हर समुदाय के लोगों से अनुरोध करता हूँ, मान जाइए आज लॉकडाउन था लेकिन गाड़ियाँ लेकर के तफरी करने के लिए लोग निकल गए, बहुत लोग, ये एकदम उचित नहीं है। लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन, कंप्लीट कर्फ्यू की तरह, एसेंशियल सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज केवल चालू हैं, जैसे राशन की दुकान हो गई, गैस, पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, दवा की दुकान, हॉस्पिटल जाना हो, इसके अलावे कोई आदमी घर से नहीं निकलेगा। आप ये समझें लॉकडाउन का मतलब एक तरह का कर्फ्यू है, और ये आपके लिए है, आपने सहयोग किया जिस दिन जनता कर्फ्यू का दिन था, तो पूरी दुनिया ने इसको देखा, बिहार के अनुशासन को, आपके धैर्य को, और ये पूरी दुनिया ने देखा। उसी तरह के धैर्य का परिचय देना है, उसी तरह के अनुशासन का परिचय देना है, ये आपके लिए हम लोग कर रहे हैं, ये सरकार आपको बचाने के लिए कर रही है, ये बिहार को बचाने के लिए कर रही है, ये पूरे मुल्क को बचाने के लिए कर रही है, मानवता को बचाने के लिए कर रही है। सरकार को शौक नहीं है कि आपको घर में बंद करके रखे, ये संक्रमण से फैलता है कोरोना, आपको नहीं पता कौन आदमी कहां किससे स्पर्श कर गया है,